नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ प्रिया श्रीवास्तव। वक्त है खास खबर का। खबर बेमित्रा से, जो जिले के बहेरा गांव निवासी और साजा विधानसभा क्षेत्र के अकोला में पदस्थ प्रधान पाठक हिम कल्याणी सिन्हा, जो कि 75% दिव्यांग होने के बाद भी शिक्षिका के रूप में आगे हैं, वहीं 5 सितंबर यानी कि शिक्षक दिवस के अवसर पर वो राज्यपाल के हाथों सम्मानित होंगी। बता दें कि शासकीय प्राथमिक शाला सैगोना जिला बेमित्रा की शिक्षिका कुमारी हिम कल्याणी सिन्हा शारीरिक रूप से 75% दिव्यांग है, लेकिन कक्षा में बच्चों के साथ इनका काम 100% है। ये शासन की समस्त योजनाओं को बहुत लगन, रुचि और आत्मविश्वास से करती हैं। कोरोना काल में भी शिक्षिका नियमित रूप से बच्चों से जुड़ी रही। अपने स्कूल ग्राम सैगोना के माँ शीतला माता के प्रांगण में बच्चों को ऑफलाइन क्लास लगाकर उन्होंने ये साबित किया कि व्यक्ति यदि मन से मजबूत है तो उसकी शारीरिक दिव्यांगता उसे आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। इनके ऑनलाइन क्लास में जिले ही नहीं बल्कि दूसरे जिले के और दूसरे राज्य के बच्चे और शिक्षक इनसे जुड़कर मोटिवेट होते रहे हैं। नवाचारी शिक्षिका के रूप में पहचान बना चुकी हिम कल्याणी सिन्हा शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार करके कबाड़ से जुगाड़ कर बहुत कम लागत में 150 से अधिक सहायक सामग्री और खिलौना निर्माण कर चुकी हैं, जिसका नियमित उपयोग कक्षा में होता है। वहीं समाज में जरूरतमंद लोगों की हमेशा मदद की है, जो दिव्यांग हैं, जिनके माता पिता नहीं हैं या आर्थिक रूप से कमजोर परिवार हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई में मदद करती हैं, बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित करती हैं। सामाजिक क्षेत्र में भी शिक्षिका का विशेष योगदान है। गंभीर बीमारी से ग्रसित बेटी की शादी आदि में लोगों की हमेशा सहायता की है। स्वयं रक्तदान कर लोगों को जागरूक करती हैं। वहीं वर्ष 2020 में मुख्यमंत्री गौरव अलंकरण, 2021 में कोरोना योद्धा सम्मान समारोह, साथ ही साथ 2022 में उत्कृष्ट शिक्षा सम्मान के लिए सम्मानित हो चुकी हैं। साथ ही साथ सीजी पोर्टल में 2 बार नायक भी रह चुकी हैं। वहीं शिक्षिका को राज्यपाल द्वारा पुरस्कार मिलने को लेकर गाँव में पूरे जिले में खुशी की लहर है। शिक्षिका 17 साल तक शासकीय प्राथमिक शाला सैगोना में कार्यरत थी। वर्तमान में 16 अगस्त 2024 को शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में प्रधान पाठक के पद पर कार्यभार ग्रहण किया। शिक्षिका को 5 सितंबर को राज्य शिक्षक सम्मान समारोह में राज्यपाल द्वारा सम्मानित किया जाएगा। कौन सा सम्मान है और कितना साल हो गया आपको शिक्षक क्षेत्र में? जी सर, मुझे अभी राज्यपाल पुरस्कार मिलने वाला है 5 सितंबर को, और ये जो शिक्षा का सफर है सर, वो 17 साल से है मेरा। 2007 से लेकर मैं 2024 तक शासकीय प्राथमिक शाला सैगोना में थी और सहायक शिक्षक के रूप में। उसके बाद मैं वर्तमान में 16 अगस्त 2024 को शासकीय प्राथमिक शाला अकोला में प्रधान पाठक के पद पर कार्यभार ग्रहण की हूँ। मेरा जो सफर था वो बहुत संघर्षपूर्ण था, और मैंने सबसे पहले तो साइकिल में जाकर अपनी जो पढ़ाई है वो पूरी की है, और उसके बाद धीरे धीरे करके मेरा जो सफर है वो आगे बढ़ा है। और आज उन्हीं कर्मों की वजह से, मतलब मेरे जो एक पॉजिटिव सोच था, सकारात्मक सोच था मेरे अंदर, मेरे परिवार के अंदर, वही सोच का परिणाम है कि मुझे अभी राज्यपाल अवार्ड मिलने वाला है। आप लगभग 75% दिव्यांग हो, कितना मतलब आपको मुश्किल होता है सब चीज करने में? बहुत ज्यादा मुश्किल होता है सर। सबसे पहले तो चलने में, उठने बैठने में बहुत तकलीफों का सामना करना पड़ता है, लेकिन मैं हर समय बच्चों के लिए प्रस्तुत रहती हूँ। मैं हमेशा स्कूल जाती हूँ, स्कूल से आती हूँ समय पे, और अधिक से अधिक समय मैं बच्चों के साथ बिताना चाहती हूँ, और ऐसा मैं 17 सालों से कर रही हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, बेमित्रा जिले की शिक्षिका सुश्री हिम कल्याणी सिन्हा राज्यपाल महोदय के द्वारा शिक्षक दिवस 5 सितंबर को पुरस्कृत होने जा रही है। ये हम सब के लिए, जिलेवासियों के लिए गर्व का विषय है, और राज्यपाल महोदय से पुरस्कृत होने के बाद हम जिला स्तर पर भी उनको पुरस्कृत करेंगे, और यह सभी शिक्षकों के लिए एक प्रेरणादायक स्रोत भी है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत अच्छा काम करते हैं उससे जिले की शिक्षा व्यवस्था ठीक होती है और बच्चों के सर्वांगीण विकास में एक अहम भूमिका होती है शिक्षक की, और मैं सुश्री हिम कल्याणी को बधाई देता हूँ। 75% दिव्यांग होने के बावजूद सर, अपने स्कूल में शिक्षकों का समर्पण जो है वो परीक्षा के परिणाम में जरूर प्रदर्शित होता है, और मैडम दिव्यांग होने के बावजूद भी
बहुत परिश्रम करती हैं और कक्षाओं में नियमित रूप से जाना, अध्ययन अध्यापन कार्य में उनकी विशेष रुचि है और बच्चों से निरंतर संपर्क में रहती हैं, और ये एक अच्छी बात है और इस तरह ही सभी शिक्षकों को करना चाहिए, जिससे स्कूल शिक्षा के परिणाम जो है उसमें धनात्मक वृद्धि हो। बेमित्रा से सी न्यूज संवाददाता संजू जैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।